दोस्तों हम लोग बनारस में, बनारस का एक लोकल खाना है जो आपका खोआ परोठा है। खोआ परोठा के साथ सब्जी है। खोआ परोठा कैसे बनाया, जैसे नॉर्मल परोठा है ना, उसके अंदर आपको एक स्वीट डिश दे दिया। तो बनाने का जो तैयारी है वो भी हमने देखा, आप देख सकते हो। इसके अंदर खोआ दे दिया, फिर ये परोठा हो गया खोआ परोठा। आप भी कभी बनारस में आएंगे ना तो खोआ परोठा एक बार आप सर्च कीजिए कहाँ मिलेगा। आप देख सकते हो इसके अंदर खोआ देके बनाया है सब्जी के साथ। अब बिना सब्जी के साथ भी टेस्ट करते हैं, सब्जी के साथ थोड़ा अच्छा लगता है, तो एक बार सब्जी के साथ टेस्ट करते हैं इसको। दोस्तों अभी हम लोग वाराणसी के होटल से निकल गए और अभी हम लोग जा रहे हैं सारनाथ में। सारनाथ आपका यहाँ से करीब 8 किलोमीटर के आसपास है और आधे घंटे का टाइम लगेगा। अभी हम पहुंच गए सारनाथ में। सारनाथ वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध उसका ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार यहाँ पे आके उनके 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो वो जगह आप इस जगह पे जब आएंगे ना तब देख सकते हैं। अभी तो आपका कोरोना के वजह से काफ़ी सारा जो चीज़ है वो बंद है। अब जब यहाँ पे आएंगे ना तो एक म्यूजियम देख सकते हो, एक पार्क भी है, तो काफ़ी सारा चीज़ है जिसका अलग अलग आपका एंट्री चार्ज है। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, और अगर आपको कोई गाइड चाहिए तो बाहर से आपको गाइड भी मिल जाएगा, ऑनलाइन टिकट भी मिलता है, तो वो चीज़ आप एक बार चेक कर लेना। सारनाथ के बाद अभी सारनाथ पे हम लोग कुछ अंदर तो देख नहीं सकते, और यहाँ पे ना अंदर एक 80 फीट ऊंचा आपका गौतम बुद्ध का स्टैचू भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो आप जब आएंगे तो पूरा एक दिन का अगर टाइम लेके आएंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। जो भी है अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, और कभी फिर नेक्स्ट टाइम बनारस में इधर आएंगे तो ऑब्वियसली सारनाथ घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं आगे चल रहे हैं, अभी प्रयागराज चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से प्रयागराज करीब डिस्टेंस है 140-150 किलोमीटर, और हमें टाइम लगेगा 2.5 से 3 घंटे के आसपास एज पर रोड कंडीशन और जो भी है। अब ब्रिज के ऊपर से भी जो व्यू आप देख रही हो ना, ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, और नीचे हम जाएंगे अभी उधर आपको दिखाएंगे। अभी प्रयागराज का भी सीन कैसा है ना कि यहाँ पे भी काफ़ी सारा चीज़ रेस्ट्रिक्शन है, तो हम लोग तो शायद उस हिसाब से सब चीज़ आपको नहीं दिखा सकते, या हम भी नहीं देख सकते, लेकिन जितना भी देख सकते आपको दिखाता है। होपफुली आपने कहीं पहले भी अगर प्रयागराज आया होगा तो ये सब जगह आपको पता होगा। इसी जगह पे आपका कुंभों का मेला होता है। दोस्तों अभी हम लोग ना जा रहा है जहाँ पे आपको त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम जहाँ से जाते हैं, तो उस घाट पे हम लोग अभी जा रहा है। देखते हैं आगे जाके क्या सीन है। अभी क्या संगम का भी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब रेस्ट्रिक्शन है जाने के लिए, तो हम संगम तक तो नहीं जा सकते। तो जो भी अभी ये सब देख के वापस आना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है। Say phone, navigation, or media. You can also say commands like call. अभी ना हम प्रयागराज से निकल रहे हैं और यहाँ से अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकता है, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी हम लोग ना एमपी पहुंच गए। एमपी पहुंच गए करीब 20 मिनट हुआ, उसके बाद बहुत ज़ोर से भूख लगी और शाम हो गया। आप देखो अभी यहाँ पे 5:30 बजे, कितना जल्दी शाम हो रहा है विंटर के सीज़न में। यहाँ पे हम लोग एक ढाबा पे रुका खाना खाने के लिए। ढाबा में आप देखिए खटिया के ऊपर ऐसे खाना खाना, मतलब ठंडी के मौसम में नॉर्मल सी खाना है, जो थाली है रोटी पापड़ राइस और मूला, साथ में चटनी सब्जी, एक आलू मटर का सब्जी और दाल। तो बहुत जोर से भूख लगा, सबसे पहले खाना कंप्लीट करते हैं और आप इंजॉय कीजिए एक बार व्यू। और आप सोचिए कि ठंडी के मौसम में आप हाईवे के बाजू में
ऐसे एक ढाबा में रुका और खटिया के ऊपर आप खाना कर रही हो, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात है भूख लगता है ना, तो उस टाइम और अच्छा लगता है खाना देख के। दोस्तों अभी हम लोग रुक गया होटल पे रेवा रोड के ऊपर, रेवा जो एमपी में है, जहाँ पे हमने देखा था कि खाना खाया था। उसके थोड़ी देर बाद आधा पौने एक घंटे ड्राइव करने के बाद ही हम लोग रुक गए थे। और होटल का नाम है होटल चंद्रलोक, हाईवे के ऊपर ही है। इनका ब्रोशर मेरे हाथ में है और होटल आपका एड्रेस है NH 7 के ऊपर, एयरपोर्ट के ऑपोजिट में, रेवा में। रेवा में हम लोग जहाँ पे रुके ना, यहाँ से 5-7 किलोमीटर डिस्टेंस में ना आपका फॉरेस्ट है, जहाँ पे आपको व्हाइट टाइगर सफारी होता है। और अभी शाम के करीब 7-7:30 बजे, थोड़ा जल्दी आज हम लोग रुक गए। होटल बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप को मिल जाएगा, जैसे कि आपका ड्यूलक्स हो गया, क्लब हो गया और स्वीट हो गया। तो अगर आप ग्रुप में भी आते हो या फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आते हो, तो आपको रुकने के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, थोड़ा सा चार्जेबल ज़्यादा है। मैं आपको एड्रेस, नाम और रेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कल हम लोग क्या प्लान करते हैं देखते हैं। लायन, टाइगर और लेपर्ड में क्या डिफरेंस है?